नाज़िम ये केकेएफ के मरकजी कैंप से और ये एक तफरी दफ्तर है और ये सैलाब ज़दगान को जो है वो फराहम किया जा रहा है। इसमें एक आदमी बआसानी जो है वो रात को सो सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा ये पैक हो जाता है। इसमें आदमी लेटने के बाद जो है तो पूरी इसकी पैकिंग है, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो है वो मच्छरों और मुख्तलिफ कीड़ों से जो आदमी महफूज रह सकता है। एक बड़ा अच्छा सिस्टम है और केकेएफ के मरकजी कैंप में ये जमा हो रहे हैं और यहाँ से जमा करके उन सैलाब ज़दगान को जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं। इसका ये बैग भी इसमें पैक करके अगर हेलीकॉप्टर के जहाज के जरिए भी कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ जो है वो बस ट्रक या किसी कोई ऐसी सर्विस नहीं है जहाँ मदद फराहम की जा सके और जहाज के थ्रू भी अगर ये बैग फेंका जाए तो उन लोगों को आसानी से ये एक सबसे बिस्तर पहुँचाया जा सकता है। केकेएफ के मरकजी कैंप में मौजूद हैं और यार ने देखा कि अभी एक जो है वो गाड़ी आई है और ये साहब जो है वो सैलाब ज़द आवाम के लिए जो है वो मदद लेकर आए हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ें लेकर आए हैं और इनके जज्बे के बारे में से बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें ये रोज़मर्रा की अशिया हैं जो सैलाब ज़दगान के लिए लेके आई हैं? नहीं, हम लोग कपड़े लेके आए हैं, बच्चों के कपड़े हैं, जेंट्स के हैं, थोड़ी दवाइयाँ हैं और कैन में शूज वगैरह हैं बच्चों के, बड़ों के ना, लेडीज के। अच्छा ये जो चीज़ें रोजमर्रा की आपने अच्छा बताई, ये इस कैंप में जो है वो सबमिट कराने आई हैं कि कैसे कैंप में? जी, और इसलिए हम लोग यहाँ कराने आए कि हमें पता है कि यहाँ से सही जगह पहुँच जाएगी ना, कि हर सही लोगों के हाथों में पहुँच जाएगी, वरना तो जहाँ से हम लोग आ रहे हैं रास्ते में बहुत सारे कैंप लगे हुए थे, मगर हमने कहा नहीं, हम अपने एम के एम वालों को देंगे तो ये लोग बिल्कुल फेयर हैं और सही जगह चीज़ें पहुँच। अच्छा आवाम के जज्बे के बारे में, आप भी एक जो है वो इसी शहर का इसी मुल्क का हिस्सा है और आपका जो जज्बा देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप जो है वो रोजे की हालत में आए और इस आवाम की मदद के लिए जो वो चीज़ें जमा करा रहे हैं। कराची के आवाम के जज्बे के बारे में बताइएगा, कराची के आवाम का जज्बा कैसा नजर आ रहा है? कराची के आवाम का जज्बा तो बहुत है, मगर इस वक्त सब लोग महंगाई के जो है ना हाथों परेशान है। अगर ये थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल हो जाए तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो लोग खिदमत करेंगे। कराची के आवाम जो है ना बहुत ज्यादा जज्बे से भरपूर है और खिदमत करने जा रहे हैं। अच्छा केकेएफ में ये सामान लेके आने की वजह जैसे बता रही हैं, क्या वजह आपके नज़र में है यहाँ आप क्यों जमा करा रहे हैं? इसलिए कि हम अपने भाईचार के जो परेशान हाल हैं और जो बिल्कुल तनों कपड़ों से बेचारे भागे हैं अपनी जान लेके, तो हम चाहते हैं कि उनकी मदद हो जाए और वो अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाए ताकि वो फिर दोबारा जिंदगी को अच्छी उसमें गुजार सके।
नाज़रीन, मैं हूँ इमरान निज़ामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राउंड अप। और आज प्रोग्राम राउंड अप जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम है और ये स्पेशल राउंड अप प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में होने वाली सैलाब की तबाही के हवाले से जो इस वक्त मुख्तलिफ अजला में तबाही मची हुई है, सिंध के भी मुख्तलिफ अजला में जो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, उस हवाले से हमारी आवाम के जो जज्बा है वो काबिले ज़िक्र है। और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर अपने कैंप लगाए हुए हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि सैलाब जदगान को बेतहाशा मदद फराहम कर सकें। और जो शुरू में लोगों ने या मुख्तदर हलकों ने ये बात कही कि हमारी आवाम में वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो 2005 के जलजले की सूरत में जो है आवाम ने भरपूर लोगों की मदद की थी, लेकिन ऐसी बात जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है कि लोग जो है खुद जो है मुख्तलिफ कैंपों में और मुख्तलिफ मरकजी कैंपों में जो है वो मदद आके जो है इमदाद आके जो है वो जमा करा रहे हैं। उसमें खाने पीने की अशिया है, पीने का पानी है, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें लोग जो है वो मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों को जमा करा रहे हैं और ये तंजीमें जो है वो कोऑर्डिनेट करके पाक आर्मी से चीज़ें उनकी बेस पे पहुँचा रही हैं और आर्मी के थ्रू ये इफेक्टेड एरियाज में जो है वो चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो कुछ लोग खुद अपनी मदद आप भी उन इस्लाम में पहुँच रहे हैं और लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से हम ये हमारे मुख्तलिफ थोड़ा सा स्पेशल राउंड अप प्रोग्राम्स होंगे और आज हम मौजूद हैं केकेएफ के मरकजी कैंप के पे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे किस किस्म की वर्किंग हो रही है और किस तरीके से स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की गई है कि लोगों को मदद फराहम करने के लिए चीज़ें जो है वो कलेक्ट की जाएँ। इसके अलावा हम और भी प्रोग्राम करेंगे और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के कैंप्स पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो हमारी आवाम की मदद फराहम करने के लिए वो क्या वर्किंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो पीएफ बेस पे भी जाएंगे और कुछ वक्त गुजारेंगे जो कराची में कैंप्स लगाए गए हैं सैलाब जदगान को शेल्टर देने के लिए, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ भी जाएंगे और उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजारेंगे और देखेंगे कि उनको क्या जो है फैसिलिटीज फराहम की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एमकेएम मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के मरकजी कैंप केकेएफ पे। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के कारकुनान केकेएफ के मरकजी कैंप पे जो है वो सामान जो है जो लोगों ने यहाँ फराहम किया है उसको एक जगह पर रख रहे हैं और यहाँ से ये सामान जो है वो ट्रकों में लोड करके अपनी मदद आप मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जो है वो उन इफेक्टेड एरियाज में पहुँचाती है, लोगों को जो है वो मदद फराहम करती है। इसके अलावा पाक आर्मी से भी कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसके थ्रू भी जो है वो सामान जो है और इमदादी अशिया जो है वो इफेक्टेड एरियाज में लोगों को पहुंचाई जाती है। इसके साथ साथ जो है हम आपसे यहाँ पे बात करेंगे मरकजी रहनुमाओं से और उनसे देखेंगे कि वो किस तरीके से सामान की कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद फराहम की जा सके। हमारे साथ यहाँ के मरकजी रहनुमा सादिक सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो किस तरीके से चीज़ें जमा की जाती हैं। सादिक सिटी नाज़िम को कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से अभी एक नई जिम्मेदारी दी गई है और सैलाब जदगान की इमदाद के हवाले से इनको जो है वो यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि वही सादिक सिटी नाज़िम है जिन्होंने कराची में डेवलपमेंट बेतहाशा किया। आपको इनकी डेवलपमेंट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि कराची की जो भी डेवलपमेंट है वो इन्हीं की मरहूने में तो बात करेंगे सादिक सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से। अस्सलाम जी। अच्छा कमाल साहब, ये कैंप जो है वो मरकजी कैंप है, यहाँ जरा बताइए किस तरीके से जो है वो कलेक्ट की जाती हैं चीज़ें और किस तरीके से जो कोने से लेकर और यहाँ तक जो आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं सारे, ये सब हमारे अल्ताफ भाई की अपील के बाद, दवाओं की अपील के बाद ये सारी मेडिसिन हैं और ये हमारे जो मेडिकल एड के जो डॉक्टर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको ये पता है कि इन हालात में वाटर बोर्न डिजीजेज और जल्दी अमराज और दूसरी तरह की जो गैस्ट्रो और अदर 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 इश्यूज आंखों की बीमारी जो जन्म ले लेती हैं सारी इस दौरान उन बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं चीजों की दवाएं, ये यानी कि यहाँ पर कोई दूसरी और उस तरह की बीमारियों की दवाएं नहीं है। तो हमने स्पेसिफिक जो अभी रिक्वायरमेंट है वो दवाएं जमा की हैं। अल्लाह का शुक्र है कि रोजाना जो है वो कल हमने 3 ट्रक भेजा, उससे पहले 3 ट्रक भेजा हमने, रोजाना जो है यहाँ से दवाओं के जो ट्रक जो है वो रवाना हो रहे हैं और इतनी ही दवाएं जो है वो अल्ताफ भाई की अपील पे यहाँ पर आ भी रही है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ सारा, ये पूरी सब दवाएं, ये सारी जो है वो रिलेटेड सारी दवाएं, बल्कि आपको मैं एक इस पे अगर दिखाऊं कि इस तरह की पैकिंग्स हैं इसके अंदर, इस तरह की पैकिंग्स है सारी, ये हर तरह की इसमें गैस्ट्रो की दवाएं हैं और सारी चीजें, ये सब कुछ इसमें है। ये जो है वो एक कंप्लीट
पैकेज है, कंप्लीट मेडिसिन का पैकेज है? कंप्लीट मेडिसिन का पैकेज है, और ये जा इस तरह से रहा है कि हमने एक फील्ड हॉस्पिटल बना लिया है, सखर है जो बेस कैंप है। सखर वो शहर है जहाँ से सराउंडिंग एरियाज के, शिकारपुर के, जैकबाबाद और बहुत सारे शहरों से जो है वो लोग जमा होकर वो सखर में आए लाखों की तादाद में। वहां पर हमने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस पूरे कॉलेज को हमने कन्वर्ट कर दिया है हॉस्पिटल में। हम जब कहते हैं कि हमसे मुराद एमकेएम खिदमत खल फाउंडेशन ने और एमकेएम की मेडिकल एड की टीम वहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ वहां पर मौजूद है, और उन्हें उसी कैंप में उसी हॉस्पिटल में हम ये सारी दवाएं उनको बैकअप करें। आइडिया ये है कि देखें अजनास भी यहाँ से भेजी जा रही हैं, खाने पीने की चीजें भी भेजी जा रही हैं, कपड़े भी भेजे जा रहे हैं, बर्तन ये वो सारी चीजें, लेकिन जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जो खवातीन बीमार पड़ रही हैं, जो बुजुर्ग और जवान बीमार पड़ रहे हैं, वहां पर दवाओं की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। तो हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि खाना तो जो है वो मिल ही रहा है किसी तरीके से, लोग रेस्क्यू हो चुके हैं, खाना मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो बीमार पड़ रहे हैं उनके पास जो है वो जगह नहीं है जाने के लिए। और हमने इसको एक दो दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं प्लान किया, हमने इसको मंथ बेसिस पे प्लान किया सारा। इसीलिए हमने वहां पर एक हॉस्पिटल बनाकर हम अपने डॉक्टर्स हमारे वहां चले गए, डे नाइट वहां पर काम कर रहे हैं, और ये मेडिसिन से हम वहां पर उनको जो है वो बैकअप दे रहे हैं। आइडिया ये है कि एक भी मरीज, लाखों की तादाद में भी लोग आ रहे हैं अगर, तो एक भी शख्स जो उस हॉस्पिटल में आ जाए वो बगैर दवा के वापस ना जाए, ये पूरा आइडिया है। और इसी वजह से यहाँ पर साथी ये सारे जो है वो एमकेएम के कारकुनान हैं, केएफ के लेबोरेटरीज के सारे हमारे टीम्स यहाँ पर काम कर रही है, और ये हम इन्हीं मेडिसिन इसको फिर जो है वो बैकअप कर रहे हैं सारा। अच्छा कौन सा ये बताइएगा कि सिंध में जिस तरीके से आपने बताया कि एक कैंप आपने एक हॉस्पिटल बना दिया है कंप्लीट, जिसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है, ये दवाइयां आप वहां पहुंचाते हैं और वहां से रिलीफ काम किया जाता है। अभी सैलाब का पानी जो है वो मुख्तलिफ अजला में मौजूद है, एक तो ये बताइएगा कि किन किन अजला में आपके मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि पानी के खड़े होने की वजह से बहुत ज्यादा वबाई अमराज भी जो है वो फूट पड़े हैं, और खारिश स्पेशली एक बहुत ज्यादा बड़ा मसला साबित हो रही है वहां पे। देखिए एट दिस मोमेंट तो एमकेएम के कारकुनान और जो हमारे वर्कर्स थे, हमदर्द थे, सब ने मिलकर तमाम दूर दराज शहरों में भी जाकर, शिकारपुर जैकबाबाद वहां पे भी जाके कैंप्स लगाए। और इस वक्त सिंध में हमारे जो है वो 18 कैंप्स जो है वो काम करे, तमाम जोन जो हमारे 18 जोन उन्होंने जो है वो अपनी कैंपिंग कर रखी है। हम जो रिलीफ जो रेस्क्यू का काम है वो तो जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, पाकिस्तान आर्मी और तमाम इदारों ने मिलकर किया, एमकेएम के वॉलंटियर्स भी उसमें सारे शामिल हैं।